बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक वन बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 10। आज हम यूनिट नंबर 10 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका अनवान है द नॉटी मंकी, यानी के द नॉटी मंकी शरारती बंदर। ये स्टोरी कुछ मंकी के मुतल्लिक है जो कि बहुत शरारती है। जैसा कि इस पिक में आप देख सकते हैं, ये कुछ जंगल है, लोग हैं जो कि लकड़ी वगैरह काट रहे हैं। यहाँ पे ये मंकीज हैं, ये देखें, ये उसकी टेल जो है वो इसके लकड़ी के अंदर फंस गई है और ये मंकीज ट्री के ऊपर चढ़ी हुई हैं। वैसे भी बंदर जो है वो एक बहुत शरारती जानवर है और नकल बहुत ज़्यादा करता है। इस तरह से बच्चों को हम व्यू दे सकते हैं कि क्या आपने कभी मंकी देखी है, कभी आप ज़ू गए हैं, ज़ू में आपने मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखे होंगे और मंकी भी देखा होगा। जी, अब हम अपनी लेसन की तरफ आते हैं। जब आप ओवरऑल व्यू बच्चों को दे देते हैं तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर कि आज हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ना जा रहे हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, ज़ू के अंदर पाई जाती है, वैसे ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। ओवरऑल कोई व्यू, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने देना है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं शरारती बंदर, इसमें जो वर्ड्स टू नो हैं, पहले हम इनकी ट्रांसलेशन करना बच्चों को बताएंगे कि ये वर्ड हैं, आगे ये इनके मीनिंग होते हैं। वर्ड और मीनिंग हम कॉपी पे नोट करवाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि ये आपने याद करने हैं। जैसे डेंजरस, खतरनाक, अ पर्सन और थिंग डेट कैन ब्रिंग हार्म, यानी कि जो चीज़ टू यू वेरी बिग, बहुत ज़्यादा आपके लिए जो चीज़ नुकसानदेह होती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसको हम कहते हैं डेंजरस। ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है तो हम जैसे बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा और ह्यूज बहुत बड़ा। नॉटी, समवन, नॉटी का मतलब होता है शरारती। समवन हु डज नॉट डू वट दे आर आस्क्ड टू अ मेटल टूल फॉर कटिंग वुड, यानी ये तो सा का है ना, ये है नोटी शरारती। सा काटने का एक आला होता है जिससे चीज़ों को काटा जाता है, आरा या आरी भी कहा जाता है। अ मेटल टूल, एक मेटल का औजार फॉर जो होता है कटिंग वुड्स, लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल होता है। श्रिक, टू मेक अ लाउड हाई क्राई, एक बहुत बड़ी आवाज़। विच, लकड़ी का टुकड़ा, जैसा कि हमने पिक में देखा था, अ पीस ऑफ वुड डैट इज थिक एट वन एंड बिकम्स थिनर टूअर्ड्स द अदर एंड, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा। आगे इसकी रीडिंग है, वन डे, एक दिन, टू मैन, दो आदमी, वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन दो आदमी जंगल में काम कर रहे थे। फॉरेस्ट जंगल, वर्किंग काम करना, इन द फॉरेस्ट जंगल में, दी वर, वो क्या कर रहे थे, कटिंग, काट रहे थे, आ ह्यूज, एक बहुत बड़ा लॉग, लट्ठा, वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा काट रहे थे। दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सा, उन्होंने बहुत बड़ी एक आरी ली हुई थी, जैसा कि इस ये है, ये एक बड़ा आरा है, इसकी हेल्प से वो इस लकड़ी के लट्ठे को काट रहे हैं। उसकी आवाज़ क्या निकल रही थी, स्विश 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 स्विश, इसकी आवाज़ें हैं लकड़ी काटने की। दे पुल्ड एंड दे पुश्ड, एक उसको आगे धकेलता है और दूसरा बंदा उसको पीछे धकेलता है, जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये दो बंदे हैं, एक उसको आगे धकेल रहा है, एक पीछे धकेल रहा है, एक आगे, पुल्ड एंड पुश्ड। दे पुश्ड एंड द एंड दे पुल्ड, कभी वो उसको आगे करते हैं, धकेलते हैं, धक्का लगाते हैं आगे की तरफ, कभी उसको पीछे की तरफ खींचते हैं,
ये दो पर्सन लकड़ी के इस लट्ठे को आरे की मदद से काट रहे हैं। दे मेड अ डीप कट, वो क्या कर रहे हैं, डीप कट, ये जो है इस कट को बहुत गहरा कर रहे हैं, डीप कट इन द वुड, वो लकड़ी के अंदर एक गहरा कट लगा रहे हैं, उसको काट रहे हैं। इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत सख्त काम है, यानी कि इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत थक जाने वाला सख्त काम है। द मैन वॉट राइट, आदमी क्या हैं, थक गए हैं, यानी कि वो काफ़ी मुश्किल काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो करते करते थक गए हैं। दी स्टॉप्ड, वो काम को रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, टू रेस्ट, और रेस्ट करने लग जाते हैं। दी पुट डाउन, वो नीचे रख देते हैं, देर सा अपनी आरा जो है, आरी जो है उसको नीचे रख देते हैं। इन द कट दे पुट अ वेज, यानी कि जिस आरे की मदद से वो इसको काट रहे होते हैं उसको नीचे रख देते हैं। द टू मैन सेट डाउन, दोनों आदमी बैठ जाते हैं, टू ईट, यानी कि वो थक गए हैं और बैठ गए हैं और कुछ खाने लग गए हैं। अ लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद दे वेंट टू स्लीप, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो सो जाते हैं, क्योंकि वो काम करके थक चुके हैं और वो सो जाते हैं। सून सम मंकीज केम देयर, कुछ देर के बाद यहाँ कुछ मंकीज आ जाती हैं, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये कुछ मंकीज आ गई हैं, आदमी जो हैं वो सो गए हैं थक कर, और कुछ मंकीज इधर आ गई हैं। अब मंकीज क्या कर रही हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। दे लुक्ड एट द मैन, वो मंकीज जो हैं वो आदमियों को देखती हैं कि वो देखती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, सो गए हैं, कि अब वो कुछ करना चाह रही हैं, खेलना चाह रही हैं, वो देख रही हैं कि जो आदमी हैं वो क्या कर रहे हैं, उन पे उन्होंने एक निगाह डाली है। वन बेबी मंकी, एक जो बेबी मंकी है, छोटी मंकी है, वाज वेरी नोटी, एक बेबी मंकी जो छोटी सी छोटा सा बंदर है वो बहुत शरारती है। ही रेन टू द लॉग, वो लट्ठे के ऊपर भाग रहा है, जो लकड़ी का लट्ठा है उसके ऊपर भाग रहा है। ही जम्प्ड एंड डांस्ड ऑन टॉप ऑफ इट, वो सबसे उसकी चोटी के ऊपर जंप भी लगा रहा है, डांस भी कर रहा है, सबसे ऊपर उछल कूद रहा है और डांस कर रहा है। हिज मदर, उसकी जो माँ है वो क्या करती है, शाउटेड, चिल्लाती है, गेट डाउन, नीचे उतरो, नाउ अब इट्स डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकता है या इससे तुम्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। जो छोटा बंदर है वो शरारती है, उछल कूद रहा है, डांस कर रहा है, उसकी माँ चिल्ला रही है, यानी कि उसको समझा रही है कि नीचे उतरो, तुम्हें चोट लग सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन, शरारती बंदर सुनता ही नहीं। ही डांस्ड, वो डांस करता है, एंड ही संग, वो डांस करता है और गाने गाता है, वो डांस कर रहा है और गा रहा है, यानी कि वो शरारतें कर रहा है। ही संग एंड ही डांस्ड, कभी वो गाता है, कभी डांस करता है, कभी गाता है, कभी गाता है, कभी डांस करता है। छी छी वी जस्ट लुक एट मी, यानी कि ये उसकी छी छी की आवाज़ें निकालता है कि देखो मेरी तरफ, आई एम अ क्लेवर मंकी, मैं बहुत चलाक बंदर हूँ, यानी कि वो शरारतें कर रहा है, छी छी कर रहा है, वी कर रहा है, मी कर रहा है, और कह रहा है कि मैं बहुत चलाक बंदर हूँ। द नॉटी मंकी, शरारती बंदर, सा द विज, विज की तरफ, जो लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा है, वेज है, उसको देखता है। ही पुल्ड इट, यानी कि जो उन्होंने कट लगाया है ना, इसको, इसके अंदर ये वाला जो लकड़ी का पीस है, वो बंदे जो हैं काट रहे हैं जंगल में, वो इसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो कट बंद ना हो, वो उसके अंदर डाल के सो जाते हैं। अब मंकी ने क्या किया है कि इस वेज को निकाल दिया है इस कट के अंदर से। ही
पुल्ड इट, उसने निकाल दिया है, द विज कम आउट, यानी कि उसने थोड़ा सा धकेला है उसको, खींचा है, तो वो विज जो है उसके अंदर से निकल गया है। देयर वॉज अ लाउड स्नैप, एक बहुत बड़ी आवाज़ आती है जैसे ही वो उसको निकालता है ना, तो एक बहुत बड़ी आवाज़ निकलती है। अब वो आवाज़ किस चीज़ की है? द मंकीज टेल, जो मंकी की टेल है, द मंकीज टेल, मंकी की जो टेल है बंदर की, वाज कैच, वो उसके अंदर रह गई है, वो उसके अंदर फंस गई है। अब वो करता है वो यानी कि अब चला रहा है, श्रिक चलाता है, द लिटिल मंकी, छोटा बंदर, द मैन वॉक अप, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाता है, उसकी टेल उसके अंदर फंस गई है, तो जो आदमी हैं वो उठ जाते हैं। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान कैन यू गेस, आप गेस करें या अंदाज़ा लगाएं, गेस होता है अंदाज़ा लगाना, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ होगा, टू द नॉटी मंकी आफ्टरवर्ड, यानी कि जब उसकी धुम जो है, टेल जो है, वो फंस जाती है उस लकड़ी के विज के अंदर, विज निकालता है तो लकड़ी के कट के अंदर उसकी धुम टेल फंस जाती है, आपने गेस लगाना है, अंदाज़ा लगाना है कि फिर उसके साथ क्या होता है। हर बंदे का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है, तो आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आई थिंक द मैन वुड हैव गॉट मंकीज टेल एट ऑफ द कट, यानी कि जो मेरे ख्याल से जो बंदे हैं उन्होंने मंकी की टेल को उससे निकाल दिया होगा, मेरा ये ख्याल है। हर बच्चे ने अपना ख्याल यानी कि शेयर करना है, बयान करना है। हमारी रीडिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।